कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को एक बड़ी राहत मिली है। शीर्ष न्यायालय ने मोदी सरनेम केस में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के साथ ही सुनवाई गई सजा पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक दोष सिद्धि पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाए जाने पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लिए भी कई मायनों में अहम माना जा रहा है। एक तरफ इस फैसले से कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन वाले खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा है कि वो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और आगे सेशन कोर्ट में जो भी प्रक्रिया चलेगा वहां इस मामले की कानूनी जंग समाज यानी मोदी समाज मिलकर लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्माननीय फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है वहां हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। आज का जो भी कानूनी प्रक्रिया में जो भी सब जुडिस मैटर था उस पर जो बात हुई है इसके बारे में हमारा एडवोकेट से हर्षित टोलिया जी आपसे बात करेंगे। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा विधायक के वकील ने कहा कि कोर्ट ने इस आधार पर सजा पर रोक लगाई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेशन कोर्ट के आदेश में अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है ये स्पष्ट नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट, ये तो लॉ की प्रक्रिया है और कायदा में जो भी लिखा हुआ है भारतीय दंड संहिता में या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसके आधार पे आज लीव ग्रांट की हुई है एंड द कन्विक्शन इज स्टेड। सेशन कोर्ट में अब ये मामला अपील आप लोगों की पेंडिंग है, कितनी जल्दी आप लोग चाहेंगे कि उस पर फैसला हो? वो तो कोर्ट पे डिपेंड करता है। हाई कोर्ट हैज ऑलरेडी एक्सपीडाइटेड द अपील। आज नामदार सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि वी आर एट लिबर्टी टू रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर एक्सपीडाइट हियरिंग ऑफ द अपील। तो मतलब द ऑर्डर इज ऑलरेडी पास्ड, सो We will take the call in the future at an appropriate stage and ultimately it's all in the realm of the court. वो तो सेशंस कोर्ट को तय करना है कि केस कितना जल्दी सुनना है, कब सुनना है। राहुल गांधी के वकील की तरफ से कहा गया है कि जो जिन्होंने जो याचिका करता है, जो शिकायत करता है, वो मोदी समाज से आते भी नहीं है, उस पे आप क्या कहते हैं? सर, हम लोग ये उनकी आर्ग्यूमेंट पहले से चल रही है, दैट्स ऑल। बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित बयान दिया था। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। मोदी सरनेम केस में सूरत की सेशन कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। इसके साथ ही उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई गई थी। दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की तरफ से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। इसके बाद उन्होंने 25 अप्रैल को निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी की तरफ से सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को भी खारिज कर दिया था। आखिर में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मोदी सरनेम मामले में मिली सजा के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। टाइम्स नाउ न भारत डिजिटल की रिपोर्ट।